हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी टू लर्निंग। बेटा मेरा नाम है देवेंद्र कटारिया एंड आई एम योर फिजिक्स मेंटर। ठीक है, तो बेटा जैसा कि स्क्रीन पे कुछ कुछ दिखाई दे रहा है ना, हम एक लेक्चर पहले से अवकलन का देख चुके हैं और मैंने कहा था वीडियो टू में मैं बचा हुआ कुछ जो भी कुछ बचा है अवकलन का पार्ट टू लेकर के आऊंगा। और बेटा इस वीडियो में मैं वही आपके लिए लेकर के आया हूं। मुझे मेरे हिसाब से मैं जितना सुंदर लिख सकता था उस हिसाब से मैंने लिख दिया अवकलन लेक्चर टू। और भाई ये इसकी जो स्पेलिंग है वो मुझे ज्यादा आइडिया है नहीं, करेक्ट, तो मैं क्लियरली बता रहा हूं कि इसको अवकलन कहते हैं। स्पेलिंग आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। ठीक, तो बेटा अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि अवकलन के लेवल टू के सवाल को कैसे किया जाता है। बहुत अच्छे से हर बार की तरह नोट्स कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, मेरे साथ साथ क्लास की तरह इसको अटेंड करो। जब मैं सवाल दूंगा वीडियो को पॉज करोगे, उसको हल करोगे और उसके बाद ही उसका उत्तर चेक करोगे। बात समझ आती है बेटा? अब बिना टाइम खराब किए आगे बढ़ते हैं विद द सेकंड पार्ट ऑफ किसका, अवकलन। तो बेटा देखो अगला जो पार्ट है ना, सबसे पहले मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं प्रोडक्ट रूल। देखो प्रोडक्ट रूल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में आप कह सकते हो गुणन नियम ऐसा कुछ करके। मैं मतलब समझाता हूँ, वो ज्यादा जरूरी है। बोले हाँ ठीक है सर, बात तो आपकी सही है। तो देखो मेरे पास, मैं ना एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा तो ना ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। बोले ठीक है सर। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि भाई d बटा dx, ठीक है, किसका, x स्क्वायर और साइन x। बोले ठीक है सर, ये क्या लिखा आपने। मैंने कहा मैंने लिखा x स्क्वायर और साइन x, और मुझे क्या करना था, मुझे इसका अवकलन करना था। बोले लेकिन सर आपने तो पिछले लेक्चर में ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया। मैंने कहा हाँ, मैं कब कह रहा हूं मैंने बताया, भाई मैंने आपको x स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था, उसका अवकलन था 2x। बोले हाँ सर ये बताया था, x की घात जब n दे रखा होता है, n कुछ भी हो सकता है। दूसरा आपने साइन x का फॉर्मूला भी लिखवाया था कि साइन x का अवकलन कितना होता है, cos x होता है। बोले हाँ ठीक है, ये भी लिखवाया था, लेकिन इन दोनों का कुछ नहीं लिखवाया। मैंने कहा मैं भी नहीं कह रहा कि लिखवाया। अब सुनो दिमाग, अगर कभी मेरे पास ऐसी दो चीजों का गुणा हो, किन दो चीजों का गुणा हो, डी बटा डी एक्स किस किस का, यू गुणा वी। जहां पे यू का क्या मतलब है बेटा, जहां पे यू और वी ये दोनों क्या हो, ये दोनों एक्स के अलग अलग फलन हो। फलन का मतलब क्या होता है, फंक्शन। मतलब यहां पे यू भी क्या हो, यू भी एक्स का फलन हो, और जो वी है ये भी क्या होना चाहिए, एक्स का फलन। जिनके दो अलग अलग फॉर्मूले मुझे पता हो, मतलब ये एफ एक्स और ये जो एफ डैश एक्स है, यानी कि ये यू और वी जो है, इन दोनों के मेरे को अगर अलग अलग फॉर्मूले पता है, तब जाकर के मैं क्या लगा सकता हूं, ये गुणन वाला नियम लगा सकता हूं, नहीं तो नहीं लगा सकता। बोले ठीक है सर। मतलब यहां पर अगर देखोगे तो x स्क्वायर का पता है, बोले हां सर पता है। sin x का पता है, बोले हां सर पता है। मतलब इन दोनों का गुणा हो रहा है, बोले हां हो रहा है। मतलब यहां पर मैं चाहूं तो ये uv वाला फार्मूला या सूत्र लगा सकता हूं, बोले हां सर। तो अब सूत्र तो सुन लो पहले। तो जहां तक सूत्र की बात है बेटा, इसको क्या बोला जाता है, इसका जो सूत्र निकल के आता है बेटा, वो निकल के आता है, पहले आप u को ऐसे कैसे लिख दो और क्या करो, आप v का कर दो अवकलन, बिल्कुल जैसे सिखाया था वैसे। बोले ठीक है सर, कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बोले इसके बाद v को लिख दो ऐसे कैसे, और अब किसका कर दो अवकलन, बोले u का कर दो। बोले हाँ सर ये भी हम कर सकते हैं। मतलब मैंने क्या कहा, जो u गुणा v है उसमें से u को पहले वाले को ऐसे कैसे रख दो, छेड़ो मत बिल्कुल भी, छेड़ना वैसे भी नहीं चाहिए, और जो v है उसका क्या कर दो, अवकलन। प्लस अब की बार v को ऐसे कैसे छोड़ दो और u का क्या कर दो, अवकलन, करेक्ट। तो यानी कि u dv बटा dx प्लस v du बटा dx, ये u है जो अजीब सा दिख रहा है, मैं क्लियर बोल दे रहा हूं। मैं भले ही गलत लिखता हूं, गलत तो नहीं लिखता, थोड़ा सा खराब लिखता हूं, साफ बोलता हूं लेकिन एकदम, तो तुम मेरी बोली पे सवाल नहीं उठा सकते। तो मैंने कहा कि भाई u dv by dx plus v du by dx, यहां से इस सूत्र का इस्तेमाल करके जब कभी दो ऐसे फलन हो जिनका अलग अलग फॉर्मूला पता हो लेकिन गुणा करने का कोई फॉर्मूला ना हो मेरे पास, तब बेटा इस सवाल का, इस नियम का इस्तेमाल करेंगे। बोले ठीक है सर, अब कुछ कुछ समझ आने लगा है। अब देखो यहां से बिल्कुल अच्छे समझ आएगा, x स्क्वायर का पता है, साइन x का पता है, और दोनों का गुणा हो रहा है, मतलब हमारी कंडीशन सूट कर रही है। बोले हाँ सर कर रही है। बोले ठीक है आगे देखो, तो सबसे पहले बेटा क्या x स्क्वायर को ऐसे कैसे लिख दूं और किसका अवकलन करूं, दूसरे वाले का, यानी d बटा dx ऑफ कितना, साइन x। बोले ठीक है सर, बात समझ आ गई। प्लस इसको किस में जोड़ दोगे, अब की बार बेटा जो दूसरा वाला है यानी कि साइन x, करेक्ट, इसको ऐसे कैसे लिख दिया और किसका अवकलन कर दिया, d बटा dx ऑफ x स्क्वायर। मतलब मैंने इस x स्क्वायर को मान लिया अपना u और sin x को क्या मान लिया, v। तो u को देखो x स्क्वायर को ऐसे कैसे रखा, sin x का क्या किया, अवकलन। अब की बार sin x को रखा v को और u का क्या किया, अवकलन। बोले सर ये तो बहुत आसान है। मैंने कहा था वही कह रहा हूं, एक बार समझ आ जाएगा तो फिर आसान है। ठीक है, तो दिमाग से सुनो, है ना, ज्यादा दिमाग नहीं, ध्यान से सुनो। x स्क्वायर sin x का कितना, बोले सर cos x। मैंने कहा बढ़िया,
साइन एक्स तो ऐसे कैसे बताओ बेटा, एक्स स्क्वायर का कितना क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अच्छा 2x चल रहा है क्या? हाँ सही है, सही है, एकदम सही चल रहा है, बड़ा चल ही रहा है तुम्हारे दिमाग में, पढ़ते तो होने ढंग से, मजाक कर रहा हूँ। सुनो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 2x। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन अच्छे चेक कर लेना। तो बेटा जब कभी दो ऐसे फलन हो जिनका अलग अलग मेरे को सूत्र पता है अवकलन का और उनका गुणा हो रहा हो, तब जाके मैं क्या करूंगा, ये गुण वाला गुणन वाला नियम का इस्तेमाल करूंगा, इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। यहीं पे खत्म, मतलब हमें समझ आ गया? बोले हाँ सर मतलब समझ आ गया, एक दो एग्जाम्पल दे दो, प्रैक्टिस कर ले तो मजा आ जाए। मैं कहा हाँ ये बात तुम्हारी सही है। तो देखो पहले मैं लिख देता हूं, तुम लोग ट्राई कर लो अपने लेवल पे, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो मैंने कहा पहला मैं एग्जांपल लिखने जा रहा हूं, पहला कि भाई आप निकालो डी बटा डी एक्स किसका, बोले सर एक्स लॉग ई की पावर एक्स का निकालो। बोले हाँ यार ये सही लग रहा है। अच्छा दूसरा, दूसरा लिखते हैं डी बटा डी एक्स ई की पावर एक्स और साथ में क्या लिखते हैं साइन एक्स। बोले सही है। देखो ना तो इसका कोई सूत्र बताया था कल, यानी पिछले वीडियो में ना तो इसका सूत्र बताया था, लेकिन हाँ ये बात 100% करेक्ट है कि भाई मैंने x का सूत्र बताया था और मैंने log x का सूत्र बताया था, मैंने e की पावर x का सूत्र बताया था और sin x का बताया था। मतलब ये दो ऐसे सवाल हैं जिनके अंदर जिनको गुणा कर रहे हो उनके फॉर्मूले मुझे पता है, मतलब इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। बोले हाँ सर बात हमें समझ आ चुकी है, अब हमें ट्राई कर दे दो। तो वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, फिर इसका हल देखना। मैं करने जा रहा हूं, इसको मैं बोलूंगा बेटा u, इसको मैं बोलूंगा v, सीधे लिखूंगा। अब देखो x ऐसे कैसे, log x का अवकलन कितना था 1/x। बोले ठीक है सर समझ आ गया। प्लस अब की बार log x को ऐसे कैसे, log x को ऐसे कैसे और x का अवकलन याद करो मैंने लिखवाया था कि नियत को किसी x से जब गुणा करते हो और उसका अवकलन करते हो तो क्या बचता है, नियत। जैसे 5x का एग्जांपल लिया था तो 5, 10x का 10, तो 1 गुणा x का कितना होना चाहिए? बोले सर 1 होना चाहिए, 1। मैंने कहा ये लो लिख देता हूं, तुम्हारी बात एकदम सही है। तो कुल मिला के यहां से x से x कट जाएगा, ये बता बच जाएगा 1 प्लस log x। बोले सर हमें आ गया समझ, कोई दिक्कत नहीं और हमारा हल एकदम सही है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, और अगर नहीं सही है तो फिर एक ढक्कन लो पानी, उसको डालो थोड़ा सा इसमें चुल्लू में और ऐसे करो जैसा, तो हो जाए तुमको। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, लेकिन बेटा देखो इतना इतना तो तुमसे होना चाहिए, है ना, इतना होना चाहिए। इतना नहीं हो रहा ना तो मतलब ध्यान कहीं और है, भले ही वीडियो भले ही चल रहा है लेकिन ध्यान कहीं और है, यानी दो वीडियो साथ चला रखे ऐसे मत करना। तो ध्यान से सुनना ना, काम की बात, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने कहा अब यहां पे आते हैं, तो बोले सर यहां पे क्या, यहां पे e की पावर x क्या है u, sin x क्या है अपना v। तो ध्यान से देखो सबसे पहले u को ऐसे कैसे लिख दे, बोले लिख दो सर, लिख दिया मैंने e की पावर x। अच्छे बच्चे हो तुम, कैसे बच्चे हो, अच्छे बच्चे। बोले सर मजे ले रहा हूं। मैंने कहा e की पावर x, sin x को अगर मैं देखूंगा तो sin x का अवकलन कितना होता है cos x, ठीक। प्लस अब की बार बेटा देखो साइन एक्स को लिख दो दूसरे वाले को, बोले हाँ सर लिख दो, और ई की पावर एक्स क्या चल रहा है दिमाग में, कौन सी घंटी बजी, बोले ई की पावर एक्स की घंटी बजी। हाँ बिल्कुल सही घंटी बजी, बिल्कुल सही घंटी बची। बेटा यहां से देखो ई रेस्ट पावर एक्स अगर बाहर निकाल दोगे ना तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बचेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये अपना हल है, ये अपना उत्तर है। अगर ये आ गया मतलब तुमने एकदम क्या किया है, सही किया है, बहुत बढ़िया, समझ आ गया मेरी बात बेटा। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, गुणन वाला नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोले सर ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है हमको, बहुत अच्छी बात, अगर क्रिस्टल क्लियर है तो वेरी गुड। अब मैं बेटा आगे बढ़ता हूं, ठीक है, कौन सा वाला, भाग वाला नियम लेता हूं। बोले ले लो सर ले लो, अभी देखो जरा कितना आसान है, हलवा है हलवा। फिर से एक काम करते हैं ना, एग्जाम्पल के साथ चलेंगे, एग्जाम्पल के साथ क्या थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी आता है। तो मैंने कहा कि बेटा d बटा डी एक्स, तुम सोचोगे सर ये ऐसे बीच में ऐसे क्यों बनाते हैं, सीधी रेखा क्यों नहीं बनाते, क्योंकि मैं सीधी रेखा ना बना नहीं सकता, हाँ लेकिन मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। एल लो, मेरे से नहीं बनती तो मैं ऐसे ऐसे बना देता हूँ तो पता ही नहीं चलता कि सीधी है कि टेढ़ी। देखो जरा, तो मैंने कहा कि बेटा d बटा डी एक्स अब की बार मुझे किसका चाहिए, एक्स स्क्वायर बटा साइन एक्स। सही है, मैंने सेम सवाल ले लिया, बस एक फर्क कर दिया, क्या फर्क कर दिया, अब की बार मैंने गुणा की जगह क्या कर दिया, भाग कर दिया। किसका भाग कर दिया, मैंने ऐसे किन्हीं दोनों चीजों का भाग कर दिया जिनका अलग अलग तो मेरे को अवकलन का सूत्र पता है लेकिन इनके भाग का कोई सूत्र मैंने लिखवाया नहीं था। बोले ठीक है सर, तो इसका मतलब बेटा अपन इस्तेमाल करेंगे भाग का नियम, कौन सा नियम, अरे यू बाय वी, डिविजन रूल, यू बाय वी।
अब बेटा देखो u बाई वी का जब अवकलन करते हैं तो क्या लिखते हैं, आप सबसे पहले बेटा जो v है उसे लिख दो और u का अवकलन कितना हो जाएगा बेटा du बटा dx। तो पहले नीचे वाले को लिखा, ऊपर वाले का अवकलन माइनस, देखो उसमें क्या था प्लस, तो पहला डिफरेंस यानी कि पहला अंतर तो यही आ गया, यहां पर क्या आएगा माइनस आएगा, माइनस आएगा। तो बेटा अब की बार क्या करोगे, देखो पहले v लिखा था, अब की बार क्या रख दो, u रख दो और किसका अवकलन कर दो, dv बटा dx का अवकलन। और बेटा इस पूरे को किससे भाग दे दो, जो कोई भी आपका v था उसके वर्ग से यानी कि उसके स्क्वायर से। बोले हां सर यहां तक समझ आ गया, इसमें लगा के दिखाओ। मैंने कहा अभी देखो, यहां पर बेटा सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो तुम्हारा sin x है उसको ऐसे कैसे लिख दूं, करेक्ट, और x स्क्वायर का अवकलन कितना आएगा 2x, सही है बेटा, ये अपने को आना चाहिए माइनस। अब की बार x स्क्वायर को ऐसे कैसे लिख दिया, करेक्ट, और अब की बार बेटा देखो साइन x का अवकलन कितना आ जाएगा cos x बटा बेटा साइन x का स्क्वायर यानी कि वर्ग। बात समझ आई बेटा? तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, अगर दो अलग अलग ऐसे अपने पास कुछ भी सूत्र है या फलन दे रखे हैं x के, जिनका अलग अलग फॉर्मूला पता है, एक साथ फॉर्मूला नहीं पता, तो बेटा उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, अपन डिवीजन का रूल लगा सकते हैं, है ना, भाग का नियम लगा सकते हैं, जिसके अंदर अपन ऊपर वाले को यू और नीचे वाले को क्या मान सकते हैं वी, यानी कि यहां पर अगर देखोगे तो इसको अपन बोल सकते थे यू और इसको अपन बोल सकते थे वी, बोल क्या सकते थे, बोला और उसके हिसाब से इसको हल कर दिया। समझ आती है बात बेटा? अगर ये समझ आती है तो मैं एक आध एग्जांपल दे देता हूं, वीडियो पॉज करके समझ लो, इसका उत्तर लिख लो, ये पूरा कॉपी कर लो, उसके बाद दोनों सवालों को हल करके देख लेना, मेरे उत्तर से मैच कर लेना, अगर मान जाए बराबर आ गया तो मतलब समझ आ गया, नहीं आया तो एक बार दोबारा वीडियो देख लेना। कौन से पैसे लग रहे हैं, ठीक है फ्री का है, ठीक है बेटा, तो यहां तक कॉपी करो और आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जाम्पल उठाते हैं बेटा, है ना, आसान आसान ही है यार। तो देखो डी बटा डी एक्स, किसका डी बटा डी एक्स चाहिए बेटा, अब अपन लिख देते हैं, मान लो लॉग ई की पावर एक्स बटा ई की पावर एक्स, है ना, आराम से वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करो, उसके बाद दिमाग लगा के उत्तर लिखना, ठीक है, चेक करना। मैं स्टार्ट करता हूं बेटा, जो कुछ भी नीचे लिखा है उसको ऐसे कैसे लिख दिया, ऊपर वाले का अवकलन, तो लॉग एक्स का अवकलन बेटा कितना होता है एक बटा एक्स माइनस, अब की बार जो ऊपर वाला था बेटा उसको ऐसे कैसे लिख दिया यानी कि log x गुणा e की पावर x का अवकलन कितना बेटा e की पावर x, सही है। देखो ध्यान से सुनना, इसको अपन ने क्या माना है, इसको अपन ने माना है u, इसको अपन ने क्या माना है v, तो देखो सबसे पहले v को लिख दिया u का अवकलन माइनस u को लिख दिया v का अवकलन, सही है, और बेटा इसका भाग दे देंगे जो कुछ भी नीचे लिखा हुआ है उसके वर्ग से। बात समझ आती है, यानी e टू द पावर x का वर्ग, बेटा यहीं पे सवाल खत्म हो जाता है। समझ आई मेरी बात? तो बेटा अगर ये बात समझ आ गई तो अब आप ना बुक से मटेरियल से कहीं कहीं से जहां से आपको सवाल दिखे, है ना, भाग का नियम पे भी यानी कि डिवीजन रूल पे भी और प्रोडक्ट रूल पे भी उनको प्रैक्टिस कर लो, उससे क्या ये आइडिया लग जाएगा कि हमें समझ आया नहीं, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर समझ आया कि नहीं आया, समझ आया तो फिर और वीडियो और अच्छे से बनाएंगे, लग रहा है कि नहीं नहीं उतना मजा नहीं आया तो फिर उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है, तो मुझे बताना जरूर बेटा कि मजा आया नहीं, ठीक है। तो यहां तक कॉपी कर लिया हो तो बेटा हम आगे बढ़े और आगे हम पढ़ेंगे चेन रूल मतलब श्रृंखला नियम, और बेटा उसको ना अलग आसान तरीके से बताऊंगा, फॉर्मूले वॉर्मूले के हिसाब से नहीं बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से रटने वाले हिसाब से नहीं बताऊंगा, समझने वाले बताऊंगा ट्रिक के हिसाब से, ठीक है। तो अपन ना बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज भी सीखेंगे एकदम देसी भाषा में। तो देखो जरा, जब हम बेटा श्रृंखला नियम की बात करते हैं ना, श्रृंखला नियम ध्यान से सुनना, तो श्रृंखला नियम को कैसे करते हैं सुनना, है ना, मैं बता रहा हूं, मैं तुमको बेसिक वो जो किताबों में दिया होता है ना, मैं वैसे सिस्टम से नहीं बता रहा हूं, मैं समझाने के हिसाब से बता रहा हूं कि भाई किसी लेमैन को भी समझ आ जाए, जिसको कुछ भी नहीं आता अनपढ़ को भी समझ आ जाए, वैसे अनपढ़ को तो नहीं समझ आएगा, कोशिश करने में कोशिश। देखो बेटा अगर मेरे पास लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर, इसका कर दो अवकलन, मैंने कहा आप मुझे बोलोगे कि सर ये जो आपने लिखा है ना इसका आपने कोई सूत्र नहीं बताया, ना इसमें आपका प्रोडक्ट रूल लग रहा है ना डिवीजन रूल लग रहा है, मैंने कहा बिल्कुल नहीं बताया ना लग रहा है, इसीलिए तो ये पढ़ा रहा हूं श्रृंखला नियम, ध्यान से सुनना, मैंने कहा साइन एक्स स्क्वायर का सूत्र तो नहीं बताया लेकिन साइन का सूत्र तो बताया, बोले हाँ सर बताया था, मैंने कहा क्या था बताओ क्या था, बोले सर कॉस था, कॉस साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स, मैंने कहा ये जो दिख रहा है ना अंदर जो कुछ भी दिख रहा है तुम इसी को एक्स मान लो, मैंने क्या कहा साइन का सूत्र था, साइन के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसी को एक्स मान लो, बोले ठीक है सर मान लेते हैं आप कह रहे हो तो मान लेते हो तो साइन एक्स का कितना था कॉस एक्स, लिखो जरा, मैं लिखता हूं कॉस अंदर जो कुछ भी लिखा है जिसे एक्स माना है वो लिख दिया,
बोले यहां तक तो सर समझ आ गया, अब तुम मेरे कहने पे क्या करो, मेरे कहने पे क्या करो बेटा, जिसे x माना है उसका अवकलन और गुणा कर दो, यानी इसका गुणा किससे कर दो, अवकलन किसके अवकलन से, जिसको आपने x माना है। किसको x माना था, साइन के अंदर जो लिखा हुआ था, मतलब किसको, x स्क्वायर, x की घात। अब बेटा अब इसको जरा ध्यान से देखोगे, x स्क्वायर का अवकलन कितना आता है, 2x, 2x, और इसके अलावा बेटा जो cos था वो तो अपना ऐसे कैसे रखा हुआ ही है, यहीं पे सवाल क्या हो गया, ढेर, समझे बेटा। अब अपन नियम कायदे कानून लगाएंगे, अरे इसको ऐसा गुणा करो d से फलाना ढिमका, समझ में नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं बिल्कुल आसानी से समझना, अपने को देसी भाषा में बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई अगर मुझे साइन का सूत्र पता है तो साइन के अंदर जो लिखा है उसका कर दो अवकलन, और जिसे आपने एक्स माना है उसको ऐसे कैसे लिख के उसके अवकलन से गुणा कर दो। फिर बोल रहा हूं साइन के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसे मान लो एक्स, साइन एक्स का कितना कॉस एक्स, तो एक्स की जगह वही लिख दो जो उसके अंदर लिखा हुआ था, और जिसको आपने एक्स मान लिया है, जिसको आपने एक्स मान लिया है उसका क्या कर दो, उसके अवकलन से इसको गुणा कर दो, सवाल वहीं पे खत्म। समझ आती है बात, बोले सर यहां तक समझ तो आ गई, दो चार एग्जांपल उठा लो तो मजा आ जाए। मैंने कहा बिल्कुल, मजे दिलाने के लिए तो वीडियो बना रहा तो आराम से सुनना है ना, और बेटा वीडियो पॉज करके चेक कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, पहला सवाल, पहला एग्जांपल, d बटा dx e की पावर 2x प्लस 3। बोले ठीक है सर करते हैं इसका अवकलन। मैंने कहा आपको क्या मैंने कोई सूत्र बताया था e का, बोले नहीं सर e का पावर x का बताया था। मैंने कहा क्या बताया था, बोले e के पावर का x का सूत्र तो सर e की पावर x था। मैंने कहा आप बिल्कुल सही घंटी बजी तुम्हारे दिमाग में, सही बजी तभी तो वीडियो देख रहे हो। देखो तो मैंने कहा e की पावर 2x प्लस 3, तो e के ऊपर जो कुछ भी लिखा है मैं तो उसको x मानूंगा क्योंकि मुझे तो उसी का सूत्र पता है, e की पावर x का पता था ना, ऊपर वाले को x मान लो। बोले मान लिया सर, मान लिया तो इसको लिखो ऐसे के ऐसे, क्योंकि e की पावर का जो भी अवकलन आता था वो क्या आता था, वो यही तो अवकलन आता था बेटा। बोले हाँ सर बिल्कुल आता था, लेकिन इसके बाद मैंने क्या बताया था, इसके बाद मैंने बताया था कि इसका गुणा करो जिसे x माना है उसके अवकलन से, मतलब d बटा dx ऑफ कितना 2x प्लस 3, यानी कि बेटा 2x प्लस 3 का कितना होता है 2, तो कुल मिला के 2 e की घात 2x बेटा 2x प्लस 3, ये उत्तर हो गया बेटा। समझ गया बात को, एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, वीडियो पॉज करके आराम से हल करना फिर मैच कर लेना, हो गया तो मतलब तुमको क्लियर है ये पार्ट। तो देखो जरा ध्यान से, अब की बार जो मुझे बोला गया है वो ये बोला गया है डी बटा डीएक्स, ध्यान से सुनना, और अब की बार अपन बात करते हैं लॉग ई के अंदर रूट एक्स की। बोले अरे सर ये तो थोड़ा सा अलग दिख रहा है। मैंने कहा बिल्कुल अलग दिख रहा है, अब देखो जरा इसको हल करते हैं। क्या मैंने लॉग एक्स का सूत्र बताया था, बोले बिल्कुल बताया था, क्या था एक बटा एक्स, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है। मैंने कहा टेंशन क्यों लेना है, इसे क्या मान लो एक्स मान लो। जैसे ही इसे मैं एक्स माना मैंने बेटा, लॉग एक्स का सूत्र कितना बताया था एक बटा एक्स, यानी क्या एक बटा रूट एक्स हो गया। बोले बिल्कुल हाँ हो गया सर। इसके बाद जिसे एक्स माना उसके अवकलन से गुणा, अब मैं सीधे सीधे लिखूंगा रूट एक्स का कितना बताया था पिछले वीडियो में सर एक बटा दो रूट एक्स बताया था, तो सीधे सीधे बेटा इसका अवकलन कितना था एक बटा दो रूट एक्स, उससे और गुणा कर दिया, यहीं पे सवाल ढेर, एक बटा दो एक्स। समझ गए बेटा, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं अवकलन कर सकते हैं। मैंने 40 मिनट या 50 मिनट का वीडियो बनाया टोटल दोनों पार्ट मिला करके, पूरा अवकलन निपटा दिया। अब आप चाहो तो फिजिक्स का वो सवाल उठा लो जिसमें अवकलन का यूज आ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि एक सवाल में भी अटकोगे। बात समझ आई, तो अपना मॉड्यूल स्टडी मटेरियल जो भी किताब से सवाल हल करते हो उससे सॉल्व करो, क्वेश्चंस को निपटाओ खत्म करो ताकि आप फिजिक्स स्टार्ट कर पाओ। ये तो फिजिक्स पढ़ने के लिए खाली एक कुछ नियम कायदे कानून बना दिए हम लोगों ने, समझ गए बात को, तो ये फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स की एक बेसिक सी जरूरत है। ये समझ आ गया फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा बेटा समाकलन मतलब इंटीग्रेशन, और उसके अगले वीडियो में लेके आऊंगा बेटा आपके लिए वेक्टर मतलब सादिश, करेक्ट, सादिक भौतिक राशियां। तब तक के लिए मैं बस यही बोलूंगा बेटा ध्यान से पढ़ो, जान लगा के पढ़ो, टाइम बहुत ज्यादा है नहीं हमारे पास, जितना है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो और ईमानदारी से पढ़ो, और मुझे 100% पता कि ईमानदारी से पढ़ोगे तो बढ़िया रिजल्ट आएगा, तो ही मजा आएगा हमें मजा आएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।